ये इस बार हम लोगों ने पूरा उज्जैन में महाकाल जो है, उज्जैन की नगरी में जितने भी मंदिर हैं मेन मेन, जैसे महाकाल का मंदिर है, गढ़ कालिका है और काल भैरव वगैरह, इस तरह के जितने भी वहाँ के स्वरूप हैं उन सब का स्वरूप यहाँ पे बना के एक उज्जैन में जो दर्शन होते हैं उस तरह का बनाने का हमने स्वरूप बनाने का पूरी हमारी तैयारी पूरी टीम कर रही है। और हम लगता है इस बार जो है सबसे अच्छा हम लोग भगवान का श्रृंगार करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का सबसे बड़ा शिवालय है शहर के मध्य में, और यहाँ पर प्रतिवर्ष सावन का जो उत्सव होता है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस वर्ष ईश्वर का अनुकंपा ये रही कि सावन में अधिक मास आया है, और उस अधिक मास में 8 सावन के सोमवार हमको मिले हैं। तो ये जो अंतिम सोमवार है इसमें बहुत अच्छे योग जो हैं वो बन रहे हैं। कल सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, उसके साथ साथ त्रिपुष्कर योग बन रहा है। तो उन सारी चीज़ों का उपयोग दर्शन लाभ लेकर के भक्त कर सकते हैं, और उनको महाकाल के दर्शन के लिए जो लोग भक्त नहीं जा सकते उनको महाकाल और उज्जैन की नगरी का स्वरूप बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर के अंदर में ही मिले, ये व्यवस्था हमने की। और इसके लगे कि हमारी पूरी टीम जो है पिछले 10 दिनों से लगी हुई है, लगभग 60 से 70 लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, और पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सारी चीज़ें चाक चौबंद करने का प्रयास हमने किया है। श्रावण मास का कल अंतिम सोमवार है, और पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास पड़ने के कारण कुल 8 सावन के सोमवार इस बार हुए, जहाँ पूरे 8वें सोमवार में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही विशेष श्रृंगार भगवान का किया गया। कल 8वें सोमवार में हम इस बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर को उज्जैन के जो राजा हैं महाकाल, उसका स्वरूप देंगे, और पूरे मंदिर को हम उज्जैन नगरी के समान ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ही कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक उज्जैन में स्थापित सभी प्रतिष्ठित मूर्तियों, देवी देवताओं के दर्शन उसे परिक्रमा पथ में और पूरे मंदिर परिसर में होंगे। जैसे प्रवेश करते ही हमने इस बार दक्षिण द्वार से मंदिर में भक्तों का प्रवेश रखा है, क्योंकि महाकालेश्वर का शिवलिंग एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, तो हमने भगवान भोलेनाथ का दक्षिण मुखी विग्रह स्थापित किया है कल के लिए। और भक्त जब प्रवेश करेंगे तो महाकालेश्वर का दर्शन करने के बाद साक्षी गोपाल के दर्शन करेंगे, भक्त मंगलनाथ स्वामी के दर्शन कर पाएंगे, गढ़ कालिका जी का दर्शन कर पाएंगे, काल भैरव, नवग्रह मंडल, हरसिद्धि माता और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करेंगे। और इस पूरे परिक्रमा पथ में भ्रमण करने में भक्तों को चारों तरफ जो हमने कॉरिडोर यानी गलियारा बनाया है, पिछले 20 से 25 सालों से भगवान बुढ़ेश्वर नाथ का जो विभिन्न रूपों में श्रृंगार किया गया है उसकी छवि देखने को मिलेगी।